हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाहत क्रिएशन। नीटिंग के नए डिजाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको ये डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी है ये डिजाइन बनाने में। इस डिजाइन को बनाने के लिए हम 6 के मल्टीपल फंदे लेंगे और एक फंदा हम एक्स्ट्रा रखेंगे। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो हम रॉन्ग साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और अपनी फिंगर पे 6 टाइम्स हम इस धागे को ऐसे लपेट लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहां से हम ये धागा आगे ले आएंगे ऐसे। अब नीडल को हम यहां से लेंगे, ये देखिए, और यहां से हम एक फंदा लेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे ऐसे। ये देखिए, यहां से भी निकालेंगे हम इसको इस तरह से। अब ये फंदा हम यहां पे लेके आएंगे। अब ये सेकंड फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। इस फंदे को वापस इस नीडल पे लेंगे और ये फंदे हम फिंगर में से निकाल देंगे। नेक्स्ट हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से धागा पीछे। अब यहां पे हम फिर से अपनी फिंगर पे 6 टाइम इस धागे को ऐसे लपेट लेंगे। धागा आगे, यहां से नीडल लेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे ऐसे, और यहां से भी हम इसको निकाल लेंगे। इस नीडल पे लेंगे और ये सेकंड फंदा इसके ऊपर से हम निकाल देंगे। नेक्स्ट हम 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। धागा पीछे। अब फिर से यहां पे धागा 6 टाइम्स फिंगर पे लपेट लेंगे। धागा आगे की तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड रो में हम सभी फंदे सीधे बना के सेकेंड रो को कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। सभी फंदे सीधे सीधे बना के सेकेंड रो हम कंप्लीट करेंगे।
सेकंड रो मैंने सभी फंदे सीधे बना के कंप्लीट कर ली है। थर्ड रो सभी फंदे उल्टे बना के इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे सभी फंदे उल्टे उल्टे बना के इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो में सभी फंदे सीधे बनाएंगे। सभी फंदे सीधे सीधे बना के फोर्थ रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो सभी फंदे उल्टे बना के इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। सिक्स्थ रो में सभी फंदे सीधे बना के इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। सेवेंथ रो सभी फंदे उल्टे बना के इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। सेवेंथ रो तक ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। एट्थ रो राइट साइड तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब यहां पे हम ये हमने फंदे जो यहां पे छोड़ रखे हैं इन्हें हम ऐसे इस नीडल पे ले लेंगे और यहां से एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे और इनके बीच में से इसे निकाल लेंगे। अब इसे यहां से ऐसे निकाल देंगे। नेक्स्ट हम फाइव फंदे सीधे बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव। अब फिर से यहां से ये देखिए यहां से नीडल लेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे ऐसे और इसे हम यहां से इनके बीच में से निकालेंगे और इस फंदे को यहां से निकाल देंगे। फाइव फंदे सीधे। अब ये फंदे हम यहां से ले लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे हम इसे निकालेंगे और यहां से निकाल देंगे। पांच फंदे सीधे। अब हम यहां से ये फंदे इस नीडल पे लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और यहां से निकाल देंगे। ऐसे ही हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। नाइन्थ रो सभी फंदे उल्टे बना के नाइन्थ रो को हम कंप्लीट करेंगे। टेंथ रो सभी फंदे सीधे बना के इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। सभी फंदे सीधे सीधे बना के इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। इलेवेंथ रो रॉन्ग साइड सिक्स फंदे उल्टे बनाएंगे। सिक्स फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे। अब अपनी फिंगर पे हम सिक्स टाइम्स धागा लपेटेंगे।
और यहां से धागा आगे कर लेंगे। सेम वैसे ही एक फंदा उल्टा बनाएंगे और यहां से निकालेंगे और इस सेकंड फंदे को हम इसके ऊपर से निकाल देंगे। अब पांच फंदे उल्टे बना लेंगे। धागा पीछे 6 टाइम्स धागा ऐसे लपेट लेंगे। यहां से धागा आगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे, यहां से निकालेंगे और सेकंड फंदे को फर्स्ट के ऊपर से निकाल देंगे। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 12, 14 और 16 हम सभी फंदे सीधे बना के कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 12, 14 और 16 सभी फंदे सीधे बना के कंप्लीट करेंगे। रो नंबर 13, 15 और 17 हम सभी फंदे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे। ऐसे सभी फंदे उल्टे उल्टे बना के हम रो नंबर 13, 15 और 17 कंप्लीट करेंगे। इसे आप रो नंबर 17 तक कंप्लीट कर लीजिए। मैंने इसे रो नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया है। 18th रो 6 फंदे सीधे बनाएंगे। अब हम यहां से नीडल लेंगे ऐसे जैसे हमने यहां पे बनाया था सेम वैसे ही है। एक फंदा सीधा बनाएंगे और इनके बीच में से ऐसे निकाल देंगे। नेक्स्ट हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर से यहां से हम नीडल लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और यहां से निकालेंगे। 5 फंदे सीधे। अब यहां पे हम यहां से नीडल लेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। इसी तरह हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। एटीन्थ रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम रो नंबर 19 में सभी फंदे उल्टे बना के रो नंबर 19 कंप्लीट करेंगे और रो नंबर 20 में हम सभी फंदे सीधे बना के उस रो को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट रो से रो नंबर 20 तक
इसी पैटर्न को आगे आगे रिपीट करेंगे। थैंक यू।